तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन से मोदी सरकार को लगा तगड़ा झटका। चीन ने तिब्बत से लेके उत्तराखंड तक तैनात की तोपें, भारत पर हमले की तैयारी में चीन। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फेसबुक को लेकर कांग्रेस ने लिखा फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग को पत्र, जांच की कर दी मांग। वहीं राहुल गांधी बोले झूठी खबरों और नफरत भरी बातों को फैलाकर हम लोकतंत्र के साथ बीजेपी को नहीं करने देंगे खिलवाड़। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना महामारी खत्म होते ही शाहीन बाग में फिर से शुरू होगा CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। संविधान बचाने की है लड़ाई, लोगों ने कर दिया ऐलान, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिंदू संगठनों के विरोध के बाद झुकी बीजेपी की येदियुरप्पा सरकार, गणेश चतुर्थी के सार्वजनिक आयोजन की दी अनुमति, मोहर्रम पर सार्वजनिक आयोजन पर फिर भी रहेगी पाबंदी। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम केयर फंड पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के पक्ष में सुनाया फैसला, राहुल गांधी के मंसूबों पर फिरा पानी, जेपी नड्डा ने भी बोला राहुल गांधी पर हमला। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वैष्णो देवी मंदिर में फिर फटा कोरोना बम, 3 पुजारी समेत 22 लोग हुए कोरोना से संक्रमित। मोदी सरकार ने रविवार को राह खोलने का मंदिर किया था ऐलान। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे तो महाराष्ट्र में गिर सकती है उद्धव ठाकरे की गठबंधन वाली सरकार। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर NCP और शिवसेना में बगावत, वहीं शरद पवार BJP में जा सकते हैं, गिर जाएगी उद्धव की महाराष्ट्र में सरकार। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान ने की नई डील, LOC और इंटरनेशनल सीमा पर बढ़ा दी मोदी की टेंशन। 236 तोपें और मिसाइलें चीन से पाकिस्तान ने खरीदी और LAC पर लगाने का भी कर दिया है ऐलान। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रशांत भूषण के समर्थन में आए 1500 देश के वकील सुप्रीम कोर्ट को लिखा पत्र, कहा सरकार के इशारे पर कोर्ट ना सुनाए फैसला, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की हो जाएगी ताकत कम और देश में तानाशाही सरकार हो जाएगी। तो सभी खबरों को विस्तार से दोस्तों एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। चीन ने आज तिब्बत से लेकर उत्तराखंड तक तैनात की तोपें, भारत पर हमले की तैयारी। जय दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि भारत को नेपाल, चीन, पाकिस्तान लगातार चारों तरफ से घेरे हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि चीन ने तिब्बत से लेकर अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक आज तोपों को तैनात कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक तोप और बंदूक की तैनाती तिब्बत की 4600 मीटर की ऊंचाई तक की गई है। वहीं आपको बता दें कि ये काफी बड़ा झटका मोदी सरकार को है। चीन ने ये तोप और बंदूक दूसरे हथियारों की तैनाती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 3 सेक्टरों में की है, जिसमें आपको बता दें कि पश्चिमी लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्व में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। वहीं आपको बता दें कि इन तीनों ही सेक्टरों में चीन ने अपने जवानों को तैनात किया है, साथ में तोपों को भी तैनात किया है और भारत पर हमले की फुल तैयारी में चीन है। वहीं आपको बता दें कि चीन और नेपाल के तिराहे पर भी काला पानी घाटी के ऊपर भी जो है चीन ने अपनी तोप और सैनिकों को तैनात किया है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार की ये बड़ी विफलता सामने निकल कर आ रही है कि बातचीत के बाद भी चीन पीछे नहीं हटा और आज तोपों को भारत के खिलाफ 3 सेक्टरों में तैनात कर दिया है, तिब्बत से लेके उत्तराखंड तक। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो फेसबुक मामले को लेकर बीजेपी की बढ़ सकती है मुश्किलें। कांग्रेस ने लिखा जुकरबर्ग को पत्र, कहा हो इस मामले की गहन जांच। वही राहुल गांधी बोले झूठी खबरों और नफरत भरी बातों को फैलाकर हम लोकतंत्र के साथ बीजेपी को नहीं करने देंगे खिलवाड़। जहां दोस्तों आपको बता दें
कि लगातार फेसबुक की विश्वसनीयता को लेकर कांग्रेस समेत असुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि कांग्रेस ने अब फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग को पत्र लिखा है और फेसबुक की निष्पक्ष जांच की मांग कर दी है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही कि फेसबुक के साथ बीजेपी और आरएसएस की साठगांठ है और इसकी अब जांच होनी चाहिए। वहीं अब इसी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आज मोदी सरकार पर फिर से हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि पक्षपात पर झूठी खबरों और नफरत भरी बातों को हम कठिन संघर्ष से हासिल कर चुके लोकतंत्र के साथ बीजेपी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। आगे राहुल गांधी ने कहा कि अमरीकी मीडिया एजेंसी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया है कि फेसबुक किस तरह से झूठ और नफरत फैलाने का काम भारत में कर रही है और उस पर सभी भारतीयों को सवाल उठाना चाहिए। और राहुल गांधी ने कहा कि अब हम फेसबुक की जांच कराएंगे, जो भी इसमें दोषी पाया जाता है हम उसको सजा दिलाने की मांग करेंगे। तो ये मोदी सरकार की मुश्किलें फिर से फेसबुक को लेकर बढ़ सकती हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्त अगली बड़ी खबर की ओर, तो शाहीन बाग के लोगों ने कहा कि फिर से शुरू होगा CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, संविधान बचाने की है लड़ाई। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही कि आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को दावा किया था कि शाहीन बाग प्रदर्शन की पूरी पटकथा भाजपा ने लिखी थी और दिल्ली चुनावों में फायदे के लिए इसके नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों के हर कदम के लिए उन्हें निर्देश दिए गए थे। वहीं आपको बता दें कि अब इसी बयान के बाद शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी गुस्सा हो गए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि फिर से जब हालात सामान्य होंगे कोरोना महामारी के, तो वह फिर से CAA और NRC का विरोध प्रदर्शन करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि ये लड़ाई हमारी बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी से नहीं है, बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज करते हुए शाहीन बाग के लोगों ने साफ कहा कि हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, हम देश के संविधान को बचाएंगे और कोरोना महामारी के हालात समान होते ही फिर से शाहीन बाग में CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी बीच बैठे दोस्त अगली बड़ी खबर की ओर, तो हिंदू संगठनों के विरोध के बाद झुकी कर्नाटक सरकार गणेश चतुर्थी के सार्वजनिक आयोजन की दी अनुमति। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने गणेश चतुर्थी त्योहार तथा मुहर्रम के लिए सभी सार्वजनिक आयोजन और पंडाल बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार का हिंदू संगठनों ने जब विरोध प्रदर्शन किया है, तो बीजेपी की कर्नाटक सरकार ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है और गणेश चतुर्थी के सार्वजनिक आयोजन और पंडाल बनाने की फिर से अनुमति दे दी है। वहीं अभी सरकार ने यह नहीं बताया है कि मुहर्रम के त्यौहार पर भी ताजिया बनाने की अनुमति और सार्वजनिक आयोजन की अनुमति दी है या नहीं, लेकिन हिंदू संगठन के विरोध के बाद गणेश चतुर्थी के सार्वजनिक आयोजन और पंडाल बनाने की अनुमति दे दी है। इससे पहले कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने ऐलान किया था कि राज्य में कोरोना महामारी के मद्देनजर इस बार ताजिया बनाने और सार्वजनिक स्थान पर ताजिया निकालने और गणेश चतुर्थी के दौरान पंडाल सजाने पर रोक लगा दी है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर लोग इकट्ठा होने से कोरोना महामारी फैलेगी, लेकिन अब ये वापस फैसला ले लिया है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पीएम केयर फंड पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के पक्ष में सुनाया फैसला। वहीं राहुल गांधी के मंसूबों पर पिराफानी, जेपी नड्डा ने भी बोला राहुल पर हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पीएम केयर फंड में जमा रकम को लेकर दायर याचिका पर अपना फैसला बीजेपी के पक्ष में सुना दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने राहुल गांधी की बात को खारिज करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में इन पैसों को ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है और इससे किसी व्यक्ति को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इस याचिका को खारिज करने के बाद जो है राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम केयर फंड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राहुल गांधी और उनके
एक्टिविस्टों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आगे उन्होंने कहा कि ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों के बुरे इरादे और दुर्भावनापूर्ण प्रयासों के बावजूद सच्चाई दिखती है। वहीं राहुल गांधी ने पीएम केयर फंड पर हमला बोलते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पीएम केयर फंड की पूरी जानकारी देश की जनता को दे कि इसमें कितना पैसा आया है और कितना पैसा मोदी सरकार ने खर्च किया है, लेकिन पीएम केयर फंड पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के पक्ष में ही फैसला सुना दिया और राहुल गांधी के पक्ष वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें। वैष्णो देवी मंदिर परिसर के 3 पुजारी समेत 22 लोग हुए कोरोना महामारी से संक्रमित। रविवार को मोदी सरकार ने दरबार खोलने के दिए थे आदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण 5 महीने तक बंद रहने के बाद रविवार से वैष्णो देवी यात्रा मोदी सरकार ने शुरू कर दी थी। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए मंदिर परिसर में खास इंतजाम भी किए गए थे ताकि लोग कोरोना से दूर रहें, लेकिन इन सब के बावजूद भी कोरोना महामारी संक्रमण ने मंदिर में दस्तक दे दी। जानकारी के मुताबिक वैष्णो देवी मंदिर के 3 पुजारी, 4 पुलिस वाले और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कर्मचारी कोरोना महामारी से संक्रमित हो गए हैं। इससे पहले भी रविवार को वैष्णो देवी में 20 कोरोना के केस सामने आए थे, लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने मंदिर खोलने की इजाजत दी थी। लेकिन देश में अगर मस्जिद खोलने की इजाजत भी देती तो इस तरह के भेदभाव नहीं होते, तो कोरोना महामारी चरम पर है फिर भी मंदिर खोलने की बीजेपी ने इजाजत दी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में गिर सकती है उद्धव ठाकरे की गठबंधन वाली सरकार। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सहयोगी दल एनसीपी और शिवसेना में बगावत। शरद पवार कर सकते हैं बीजेपी ज्वाइन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है। इस बार कारण है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या केस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एनसीपी सहयोगी दल शिवसेना का चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस को सीबीआई द्वारा सौंपना चाहिए और उसकी सीबीआई जांच करे और मामले का खुलासा हो, लेकिन आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे सरकार यानी शिवसेना चाहती है कि इसकी जांच महाराष्ट्र पुलिस ही करे और सीबीआई को इस केस को देने के लिए शिवसेना तैयार नहीं है। इसी को लेकर अब शिवसेना और एनसीपी में बगावत शुरू हो गई है। वहीं इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सुशांत सिंह केस को लेकर अब एनसीपी बीजेपी के साथ आ सकती है और बीजेपी में शामिल हो सकती है और महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है और उद्धव ठाकरे की सरकार गिर सकती है। तो बड़ा झटका लग सकता है उद्धव ठाकरे को सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार की फिर बड़ी मुश्किलें। भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान ने की नई डील। एलओसी और इंटरनेशनल सीमा पर बढ़ाई भारत की टेंशन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती के लिए चाइना से बड़ी संख्या में डील की है। वहीं आपको बता दें कि अब चीन से पाकिस्तान SH-15 तोप को खरीदेगा। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से 236 SH-15 तोप को खरीदा है। इसके अलावा पाकिस्तान से चीन वेलून 1 स्पाइन राडार भी खरीद रहा है जिससे वह एलओसी पर भारत के खिलाफ तैनात करेगा। तो किस तरह से चीन पाकिस्तान को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है भारत के खिलाफ, और भारत सरकार को और मोदी को पूरी तरफ से घेरने के लिए ये दोनों ही देश साजिश रच रहे हैं। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज ये और ये बड़ा खुलासा हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो वकील प्रशांत भूषण के समर्थन में आए देश के 1500 वकील। सुप्रीम कोर्ट को लिखा पत्र, बीजेपी सरकार के इशारे पर ना करे काम नहीं तो उठेंगे सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कोर्ट की अवमानना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद देश भर से वकील प्रशांत भूषण के समर्थन में आ रहे हैं। मामले में देश भर से 1500 वकीलों ने प्रशांत भूषण को अपना समर्थन देते हुए सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के इशारों पर काम ना करे, उसकी नहीं तो निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। वहीं बयान में वकीलों ने आगे कहा कि अवमानना का
डर दिखाकर जो है वकीलों को देश में चुप नहीं कराया जा सकता, वरना सुप्रीम कोर्ट की ही स्वतंत्रता और ताकत कम होगी अगर वह ऐसा करता है। वहीं 1500 वकीलों ने जिस बार के वरिष्ठ सदस्य भी शामिल है, तो ये काफी बड़ी खबर है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही देश के 1500 वकीली जो है प्रशांत भूषण के साथ खड़े हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अखिलेश यादव के नेता ने कोरोना महामारी पर दिया अजीबोगरीब बयान, बताया कोरोना को बीजेपी की साजिश। जी दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना महामारी को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य एहतियातन बरतने की सलाह अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं। उसी बीच उनके नेता का कोरोना महामारी पर एक अजीबोगरीब बयान आया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के बिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लौटन राम निषाद ने कहा है कि कोरोना एक महामारी नहीं बल्कि ये बीजेपी पार्टी की साजिश है और लोगों की मौत कोरोना से नहीं बल्कि अन्य बीमारियों से हो रही है। तो किस तरह से अखिलेश यादव के नेता ने बीजेपी पर हमला बोला है और अपना अजीबोगरीब बयान दिया है और बीजेपी की कोरोना महामारी को साजिश बताया है।